नमस्कार किसान भाइयों, आज हम लोग बात करेंगे। जैसे कि हमारा ड्रैगन फ्रूट का प्लांट है और ये इस टाइम फ्रूटिंग का सीजन चल रहा है, और हमारा प्लांट जो है, हमारा फार्म है जो 2 साल के ऊपर हो गया है, 3 साल का हो गया है, फिर भी कई भाइयों का हमें मैसेज आया कि उनकी फ्रूटिंग नहीं आई इस बार, उसमें बड फॉर्मेशन नहीं बने। तो आज हम इन्हीं बातों पर चर्चा करेंगे कि ऐसा क्यों हुआ कि जो उनका प्लांट हुआ मैच्योर भी है और उनके बावजूद भी उसमें फ्रूट नहीं आ रहे हैं, तो क्या वजह हो सकती है, उसी के बारे में आज ये सारी वीडियो रहेगी। और वीडियो हमारी अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल पे आप लोग अगर नए हैं तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हम आपको और अपनी जो भी अनुभव है सारा प्लांट का वो हम अधिक से अधिक दे सकें। तो जो देख रहे हैं ये जो ये इसका पत्ता है ड्रैगन फ्रूट का, ये जो लीफ है, इसमें देख रहे हैं आप थोड़ा सा फंगस का साइन है। तो पहला वजह ये हो सकता है हमारे जो फ्रूट नहीं आने का, जैसे आपकी प्लांट में ये अगर पत्ता है और आप इस पर देख रहे हैं कि हल्का हल्का फंगस का साइन है इसमें, आप देख सकते हैं हल्का कलर अलग है, धब्बे हैं यहाँ पे। तो जैसे ये धब्बे हैं और इसके आगे ये पत्ता है, तो मेरा ये मानना है कि अगर यहाँ पे आपका जो फंगस का वो है तो इसके आगे न्यूट्रिशन जो भी है आपका सही से नहीं जा पाएगा। तो इसलिए आपका मेन वजह है कि जब ये सही से खुराक नहीं पाएगा तो इसमें बड फॉर्मेशन नहीं बनेगा, क्योंकि इसको इतनी ताकत नहीं मिलेगी। और ये जैसा कि आप जानते हैं कैक्टस टाइप का होता है, तो इसको फ्रूट की, इसको जो भी है न्यूट्रिशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तभी बड फॉर्मेशन इसमें बनता है। दूसरा कारण ये हो सकता है कि आपने जो खाद मैनेजमेंट किया है, 2 साल हो या चाहे जो जितने दिन का पौधा हो, अगर आपने अभी से उसमें, जैसे अचानक से फ्रूटिंग का सीजन आया तो आपने उसकी खाद मैनेजमेंट अच्छी कर दी है, तो आपका ये सफल नहीं हो सकता है, क्योंकि इसको चाहिए पूरे साल का खाद मैनेजमेंट कि आप इसमें जो भी प्रोडक्ट डालते हैं टाइम से ही डालें, जिससे इसकी एनर्जी हमेशा बनी रही प्लांट की। और आप अगर मिस्टेक कर दिए, बीच में इसको छोड़ दिए, वाटर मैनेजमेंट हो चाहे इसका फर्टिलाइज़र मैनेजमेंट हो, अगर इसमें आपने ढिलाई किया है और तो ये आपको फ्रूट जल्दी नहीं देगा। बट निकलेगा, हर साल निकलेगा, बट फॉर्मेशन बनेगा, पर वो बाहर इसमें वो फूल में नहीं होगा, कन्वर्ट नहीं होगा फूल में, बस थोड़ा सा दिखेगा आपको कि जैसे अभी हमारे प्लांट में यह देख सकते हैं यहाँ बट फॉर्मेशन बन रहा था, पर ये बाहर नहीं आ पाएगा, क्योंकि इसमें जो फंगस का हुआ है, इसमें सिकान ये निशान दिख रहा है, इसकी वजह से इसमें ये फूल में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। बट निकलेगा इसमें, पर वो बन नहीं पाएगा, इसमें फ्रूट नहीं आ पाएगा। तो ये लीफ हमारा इस टाइम समझ ये डैमेज है। अभी हो सकता है सीजन, बारिश का टेम्परेचर डाउन हो, इसमें सुधर जाए, पर अभी जो जल्दी पहला, इसमें समझ लीजिए जो फर्स्ट इसका वेव है फ्रूटिंग का, वो इसमें फ्रूट नहीं दे पाएगा। भले से मैच्योर लीफ है ये, पर ये फर्स्ट वेव में फ्रूटिंग नहीं दे पाएगी। और तीसरा वजह है कि आपके यहाँ जो टेम्परेचर है, आप जैसे पूरी गर्मी में मई जून में फुल टेम्परेचर में और आपका एकदम धूप में पौधा था, तो स्ट्रेस का भी वो होता है, सनबर्न की शिकायत से भी इसमें फ्रूट लेट आने की संभावना रहती है। अब जैसे आपके यहाँ बारिश, अगर देर से बारिश का मौसम शुरू हुआ है तो हो सकता है कि इसमें थोड़ा लेट फ्रूटिंग आए। अगर आप इसको अच्छा से बढ़िया खाद मैनेजमेंट वगैरह किए हैं तो धूप की वजह से भी थोड़ा सा फ्रूट लेट हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि हो सकता है आपका लास्ट वेव में, जो तीसरी वेव या दूसरी वेव में, इसमें फ्रूटिंग आपकी आ सकती है, अब पर आप निराश नहीं होइएगा। और ये 3-4 वजह हो सकती है फ्रूट नहीं आने की। आप जो मैं सोचते हैं कि हम तो अगर इसका जो फार्म लगाए थे वो मैच्योर भी हो गया, इतने साल का हो गया, पर ये वजह आ सकती हैं, तो आप लोग इसका ध्यान रखिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।